नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया, समय के जो मेरे साथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी की हैं, और यहां पे आज दो दिवसीय जो है 25th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो इनॉग्रेट की गई। पीएमओ और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग 1600 के करीब जो हैं वो डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं, और इसके साथ साथ 28 स्टेट्स और अदर यूटीज के जो डेलीगेट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। पहली मरतबा इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, और क्या कुछ है खास इस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुने। ताकि भारत में लोगों के जीवन में खुशहाली हो, उनके जीवन में समृद्धि हो, उनके जीवन में प्रगति की एक सुबह नई रोशनी के रूप में। इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिंगिंग द सिटीजन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर थीम के तहत जो है वो 25th नेशनल ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे शुरू की गई कटरा के अंदर। ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी का पर्याप्त भरपूर उपयोग करते हुए कई नए सफल प्रयोग हुए हैं, जिस प्रकार से कि सीपी ग्राम्स का जो हमारा ग्रीवेंस सेल है उसका पोर्टल बन गया, उसको सेंट्रलाइज किया गया, और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर भी उसमें इंटेग्रेट हो गया। पेंशन्स को लेकर के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बुज़ुर्गों को, उस दुविधा को उनसे हटाते हुए पहले तो हमने शुरू किया था कि डिजिटल पत्र बन जाए बायोमेट्रिक के आधार पर, लेकिन चूंकि लाइफ स्पैन अब हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है तो 75-80 वर्ष की उम्र के बाद हाथ की उंगलियों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, हाथ के निशानों में, उंगलियों के निशानों में। तो हम भारत सरकार में शायद पहला विभाग था हमने जहाँ के फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, मात्र अपने मोबाइल के अंदर चेहरा देखना, कैमरा के मीडियम से आधार से लिंक होकर के केवल और केवल 60 सेकेंड के भीतर मुतलका बैंक तक वो जीवन प्रमाण पत्र पहुँच जाता है, उस व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण। इस प्रकार से अनेकों ऐसी टेक्नोलॉजियाँ, और दूसरा ये भी है यहाँ पर इसका इस कॉन्फ्रेंस के करने का एक महत्व ये भी है कि हमने 5-6 वर्षों से एक अपने लिए एक जिम्मेवारी ली थी कि इस तरह की अधिकतर कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली राजधानी में हुआ करती थी, उनको वहाँ से निकाल करके देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाए। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस हमने पश्चिम में मुंबई में की, दक्षिण में हैदराबाद में की, पूर्वोत्तर में ईटानगर, पूर्व में भुवनेश्वर, और अब जम्मू कश्मीर कटरा वैष्णो देवी। और इसलिए भी कि बहुत सी आधुनिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ जुड़ी हुई है, और ये वो क्षेत्र है जहाँ एग्रीटेक स्टार्टअप्स का, लेवेंडर एंटरप्रेन्योरशिप का अपार संपत्ति छिपी हुई है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी तो आ गई, टेक्नोलॉजी बदल भी रही है, टेक्नोलॉजी अपना भी रहे हैं, लेकिन माइंडसेट बदलने में देरी लग रही है, जिसमें हमें मीडिया का, समाज के सब वर्गों का सहयोग चाहिए ताकि सरकारी नौकरी की मानसिकता से निकल करके ये जो नए विकल्प आए हैं जिसमें रोज़गार के भी साधन हैं, जो आने वाले भविष्य के 25 वर्षों में जिनका महत्व भी रहने वाला है, उस तरफ लोगों को जागरूकता भी हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे कि आपकी अगुवाई में जम्मू कश्मीर जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, धवन स्पेस सेंटर, बायोटेक पार्क हो, जहाँ अभी जो ई गवर्नेंस को लेकर जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर जहाँ डिजिटल डिवाइड कहने का चैलेंज है लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है? ठीक कह रहे हैं, इसमें चूँकि देश का ये हिस्सा थोड़ा बहुत इतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं रहा, जिस प्रकार से कुछ एक प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हमें आप जैसे मित्रों का सहयोग चाहिए जो भविष्य को भी समझते हैं, आने वाले विकल्पों को भी समझते हैं कि जो स्टार्टअप्स का युग है। आज ही जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे बच्चों ने दो प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए, अभी एक सप्ताह पहले आपने देखे होंगे चित्र प्राइवेट्स रॉकेट लॉन्च किया, 2 साल पहले मोदी जी ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया और 100 से अधिक स्टार्टअप केवल स्पेस में हो गए। यहाँ पर हमारे पास हिमालय का बहुत बड़ा सरमाया है, एरोमेटिक्स का बहुत बड़ा सरमाया है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का बहुत, और उसमें टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हम उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करने से लेकर के मार्केट तक पहुँचाने के लिए जो बच्चे उसमें लग गए उनको अपनी रोज़गार का एक बड़ा सम्मानजनक साधन भी उपलब्ध हुआ है। तो इसलिए अभी इस समाज को भी इसमें जोड़ना होगा, जैसे मैंने कहा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ सोसाइटी प्लस होल ऑफ नेशन, उसका अर्थ ये है कि जो हमारे सरकारी नौकरी की जहनीयत है, जैसे गुजरात में देख लिए तो बहुत मुश्किल से कोई बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते हैं,
उससे हमें निकालना हो। उसके कुछ एक लेगेसी इश्यूज भी हैं, जैसे आपने ठीक कहा कि यहाँ पहले इंडस्ट्री का अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, इस प्रकार का एक्सपोजर हो नहीं पाया। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद चूँकि एक मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का एक युग प्रारंभ हुआ है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे उस तरफ भी रुझान बनेगा। टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से जो है अगला रोड मैप तैयार हो रहा है 2047 का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद से आम जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। आज की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ पर इनॉग्रेट की गई उसका थीम था ब्रिंगिंग सिटीजन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, यानी कि आम नागरिक को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को आपस में एक साथ मिलाना और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद से जो सहायता की जा सकती है उसके ऊपर डिस्कस करना। और काफ़ी सारे डेलीगेट जो थे किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद से सहायता कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक मैं सर्विसेज की बात करूं या मैं बात करूं ट्रैफिक की या मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की एकेडमी की, हर चीज़ में जो है वो इस समय टेक्नोलॉजी की मदद से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं आज की जो चीज़ है ये इस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस की गई। वहीं कल माननीय उपराज्यपाल महोदय और इसके साथ साथ हरियाणा के ऑनरेबल CM मनोहर लाल खट्टर जी जहाँ पे होंगे बैलेटिंग सेक्शन में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद से, ई सर्विसेज की मदद से आपकी ज़िंदगी जो है वो सहूलियत बढ़ी है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।